हेलो फ्रेंड्स, मैं दया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, आज की सीरीज़ में मैं आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस बताऊंगा। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में तीन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो तीनों टाइप के क्वेश्चंस में से कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं शामिल करूँगा। तो जो भी क्वेश्चंस आएंगे, पहले आप उन्हें खुद ट्राई करिएगा सॉल्व करने की, फिर उसका मैं सॉल्यूशन आपको बताऊँगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि रिश्तों को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि दिया गया है ए बी का भाई है, तो हम इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ए फिर एक सिंगल लाइन खींच करके लिखते हैं बी। तो ए बी का भाई है, तो ए जो है भाई है, तो ये मेल है, फिर इसके ऊपर प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, जो फीमेल होता है उसके ऊपर माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो दिया गया है ए बी का भाई है, तो ए तो भाई है ये कंफर्म है, लेकिन बी का पता नहीं कि ये बहन है या भाई है, तो इसको हम लोग प्लस ऑब्लिक माइनस लिख देंगे या कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये करते हैं। तो सेम जनरेशन की अगर बात होती है तो हम लोग हॉरिजेंटल लाइन से एक ही लाइन में लिखते जाते हैं। मान लीजिए दिया गया होता कि ए बी की पत्नी है, ठीक है, तो ए बी की पत्नी है, तो अगर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है तो वहाँ पे डबल लाइन से डिनोट करते हैं, तब हमें पता चल जाता है ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ है। तो ए पत्नी है तो ए पर माइनस का चिन्ह लगेगा, और ये पति है तो यानी ये प्लस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए दिया गया होता ए बी का पुत्र है, तो बी का पुत्र है ए, तो ए को नीचे लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, क्योंकि ये नीचे की जनरेशन है, सेम जनरेशन हम हॉरिजेंटल लाइन में एक ही लाइन में लिखते हैं, अगर उसके बाद वाली जनरेशन है तो नीचे लिखते हैं, उसके पहले की जनरेशन है तो ऊपर लिखते हैं। तो बी का अगर ये पुत्र है, ठीक है, तो इसको नीचे लिखेंगे, तो बी का पुत्र है तो ये प्लस रहेगा, बी के बारे में मालूम नहीं है कि वो माता है या पिता है, तो इसको प्लस या माइनस अभी कंफर्म नहीं है क्या है। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए दिया गया होता कि बी ए का पिता है, ठीक है, तो भी यही बात होती, बी ए का पिता है तो ए के बारे में हमें मालूम नहीं प्लस है या माइनस है, लेकिन बी पिता है तो ये प्लस होता। ठीक है, और मान लीजिए दिया गया होता कि सी जो है बी का पोता है, तो पोता है तो यानी बी का बेटा ए है और उसका बेटा सी है, ठीक है, तब ये पोता हो जाएगा, तो ये प्लस रहेगा। ठीक है, बी के बारे में हमें मालूम नहीं ये प्लस है या माइनस है, और ए के बारे में मालूम है कि वो पोता है, तो यानी कि ये इसका पुत्र होगा। ठीक है, पुत्री का अगर बेटा होता है तो वो पोता नहीं होता है, वो नाती होता है, और अगर पुत्र का बेटा होता है तो वो पोता होता है। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए दिया जाए कि ए का सी दादा है, तो ए का कोई पिता होगा पहले, मान लेते हैं बी है, फिर उसका पिता होगा सी, तो सी दादा हो जाएगा, तो सी प्लस में रहेगा क्योंकि वो दादा है, दादी होती तो माइनस में होता, और ए के बारे में पता नहीं कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी दादा है किसका, ए का, तो ये इसका बेटा होगा, तो ये प्लस में होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रिश्तों को डिनोट करके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आप पहला क्वेश्चन लेते हैं, टाइप वन का पहला क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है पी और क्यू भाई हैं, और आर और एस भाई बहन है, पी का पुत्र एस का भाई है, तथा क्यू तथा आर में क्या संबंध है। तो क्वेश्चन को पहले आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दिया गया है पी और क्यू भाई हैं, तो इसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे, पी
क्यू का भाई है, ठीक है। तो दोनों भाई हैं तो यानी कि दोनों के ऊपर हम लोग प्लस मार्क कर देंगे, ठीक है। अब दिया गया है आर और एस भाई बहन हैं, तो आर और एस का पी और क्यू से अभी यहाँ कोई संबंध पता नहीं चल रहा है। अब अगला जो सेंटेंस है, पी का पुत्र एस का भाई है, तो पी का पुत्र हम लोग नीचे की तरफ लाइन खींचेंगे, यहाँ पे पी का पुत्र होगा, और दिया गया है एस का भाई है, तो भाई या बहन है तो ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे एस का भाई है, ठीक है, तो दिया गया है आर और एस भाई बहन है, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। तो एक भाई है एक बहन है, तो भाई कौन है, पी का पुत्र एस का भाई है, तो यानी एस बहन होगी, तो एस फीमेल होगी, आर भाई होगा, प्लस होगा। अब पूछा गया है तो क्यू तथा आर में क्या संबंध है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होगी, जो पहले दिया गया हो क्यू तथा आर में क्या संबंध है। पहले क्यू दिया गया है तो क्यू का संबंध हमें बताना है कि आर से क्या संबंध है, क्यू आर का क्या है, ठीक है। तो क्यू क्या है आर का, देखिए ये आर है, ये पी का पुत्र है, यानी ये पी इसका पिता है, आर का पिता पी है और पी का भाई क्यू है। तो पिता का भाई क्या होता है, पिता का भाई होता है चाचा, तो यानी कि इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है, प्रीति का पुत्र रवि है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते चलते हैं, प्रीति है, प्रीति का पुत्र रवि है, तो रवि पुत्र है यानी मेल है, और प्रीति नाम से लग रहा है फीमेल है, तो ये इसकी मदर होगी यानी कि ये फीमेल होगी। दोस्तों इस चीज़ का कई जगह पे आप ध्यान रखिएगा कि कुछ नाम ऐसे होते हैं कि जो मेल के भी होते हैं फीमेल के, तो नाम से हमेशा अंदाज़ा मत लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे खैर प्रीति फीमेल ही है, नाम से पता चल रहा है, प्रीति मेल का नाम नहीं होता है किसी, ठीक है। और फिर दिया गया है सौरभ प्रीति का भाई है, तो सौरभ प्रीति का भाई है, सौरभ को हम लोग ऐसे लिखेंगे, सौरभ प्लस है क्योंकि भाई है। और फिर दिया गया है नीता की पुत्री लवली है, तो नीता की पुत्री लवली है, इस सेंटेंस का इनमें से कोई रिलेशन नहीं पता चल रहा है, ना रवि से ना प्रीति से ना सौरभ से। फिर अगला सेंटेंस है नीता सौरभ की बहन है, तो नीता सौरभ की बहन है, ये नीता बहन हो जाएगी, और ये माइनस चिन्ह लगा देंगे। अब पूछा गया है रवि का और लवली से क्या संबंध है, लवली कौन थी, नीता की पुत्री, नीता की पुत्री है लवली, ठीक है। तो अब यहाँ पे रवि और लवली का संबंध बताना है, रवि लवली का क्या है, तो देखिए प्रीति और सौरभ और नीता ये सब भाई बहन है, ठीक है, तो यानी प्रीति और नीता बहन बहन है, ठीक है, और ये बहन का बेटा है और ये बहन की बेटी है, तो दो बहनों के बेटा बेटी आपस में क्या होते हैं, मौसेरे भाई या बहन होते हैं, तो यानी कि रवि जो है भाई है, लवली का मौसेरा भाई है और लवली मौसेरी बहन है। तो यहाँ पे रवि का संबंध पूछा गया है लवली से क्या है, तो हम रवि मौसेरा भाई है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, तो आप वीडियो को पॉज करके आप पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, इसका आंसर फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, ई तथा एफ बहनें हैं, तो कैसे डिनोट करेंगे ई और एफ को, ई और एफ बहनें हैं, ठीक है, तो दोनों फीमेल है यानी माइनस दोनों के ऊपर लगाएंगे। फिर क्या दिया गया है, जी ई का पति है, तो जी ई का पति है, पति को डबल लाइन से डिनोट करेंगे, जी जी ई का पति है और ये पति है तो यानी मेल है, ठीक है। फिर क्या दिया गया है, एच एफ का पति है, एफ का पति कौन है, एच एच ये भी मेल है। अब क्या दिया गया है, आई एफ और एच का पुत्र है, एफ और एच पति पत्नी है, इनका पुत्र है आई,
तो हम इसके भी नीचे लिख सकते हैं या इसके भी नीचे। तो ये इनका पुत्र हो गया, एफ इसकी माता हो गई। ठीक है, अब पूछा गया है आई ई से किस प्रकार संबंधित है, तो आई का संबंध बनाना है, आई ई का क्या है। ठीक है, पुत्र है ये, आई है, ठीक है, यहाँ पे आई होगा, तो आई का संबंध ई से हमें बताना है आई ई का क्या है। तो देखिए ई की मदर है एफ और एफ की बहन है ई, तो यानी कि मदर की बहन क्या होती है, मौसी होती है, आई की ई जो है मौसी है, तो ई आई का क्या है, यानी कि वो भांजा है, ई का भांजा हो गया आई। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिव्या चंदा की बहू है और रमेश की भाभी है, तो चंदा है, चंदा की बहू है यानी चंदा का कोई बेटा होगा, उसकी पत्नी होगी दिव्या, तो चंदा के बेटे की पत्नी उसकी बहू लगेगी। ठीक है, और क्या दिया गया है, और रमेश की भाभी है यानी दिव्या के पति का कोई भाई होगा, तो दिव्या का पति कौन है, चंदा का बेटा, और इसका कोई भाई होगा, भाई को हम ऐसे एक लाइन से डिनोट करेंगे और पति पत्नी को दो लाइन से डिनोट करते हैं, तो चंदा का भाई है, भाई कौन है, रमेश, रमेश की भाभी है ना, तो भाई का नाम लिख देंगे रमेश, तो रमेश भाई है इसलिए मेल है, और ये भी मेल है, दिव्या इसकी पत्नी है तो ये फीमेल है, चंदे चंदा के बारे में हम नहीं कह सकते ये मेल है या फीमेल है, तो इसको माइनस या प्लस दोनों कर देंगे, क्योंकि नाम से हमें अंदाज़ा नहीं लगाना है, चंदा नाम फीमेल का भी हो सकता है मेल का भी हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या कहा गया है, चंदा का पुत्र, सॉरी शरद चंदा का पुत्र और रमेश का इकलौता भाई है, तो रमेश का इकलौता भाई है और चंदा का पुत्र है शरद, तो यानी कि जो चंदा का बेटा है उसका नाम है शरद, तो शरद और दिव्या पति पत्नी है, शरद का भाई हो गया रमेश और ये चंदा का बेटा है शरद। ठीक है, अब पूछा गया है दिव्या की माँ शरद से कैसे संबंधित है, तो दिव्या की माँ शरद से कैसे संबंधित है, शरद की पत्नी है दिव्या और पत्नी की माँ कौन होती है, पत्नी की माँ होती है सास, तो यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, ये टाइप 2 के क्वेश्चंस हैं, तो पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, इसका सॉल्यूशन मैं फिर बताता हूँ आपको। तो इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, उसके एकमात्र भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, वो महिला उस आदमी की क्या लगती है। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक आदमी ने कहा, जो इशारा करता है हम उसकी बात को पहले पढ़ते हैं, वो क्या कह रहा है, तो आदमी ने कहा उसके यानी महिला के, तो यहाँ पे महिला को मेन मानेंगे, अगर आदमी कहता कि एक आदमी ने कहा मेरे पिताजी के बेटे का ऐसा कुछ, तो आदमी को हम मेन मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करते, तो यहाँ पे आदमी कह रहा है कि उसके यानी महिला के, तो महिला को हम लोग मेन मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो महिला है एक महिला, और क्या दिया गया है, आदमी ने कहा उसके एकमात्र भाई का पुत्र, तो महिला का एकमात्र भाई है, ऐसे डिनोट करेंगे इसको भाई को, और उसका पुत्र है, तो पुत्र को हम लोग नीचे लिखेंगे। ठीक है, एकमात्र भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, तो ये किसका भाई है, ये पत्नी का भाई है, किसकी, मेरी पत्नी यानी वो जो आदमी है जो इशारा कर रहा है, तो आदमी की ये पत्नी है, तो पत्नी है, तो इसको हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को डबल लाइन से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब ये बताना है कि वो महिला उस आदमी की क्या लगती है, तो यहाँ पे देखिए ये आदमी है, इसकी पत्नी है,
और ये जो पुत्र दिया गया है पत्नी का पुत्र नहीं है, ये इसका पुत्र है। यहाँ पे भाई और या जो भी लिखा है उस पे मत जाइएगा, यहाँ पे ये देखिएगा कि कैसे डिनोट किया जा रहा है रिश्ता। ठीक है, तो ये आदमी है, ये इसकी पत्नी है, ठीक है, और ये इसका भाई है। पत्नी का भाई क्या हो गया? साला हो गया। तो जो ये दोनों भाई बहन हैं, ठीक है, तो ये इनका पिता है, ये भाई का पुत्र ये है, तो यानी भाई जो है पत्नी का पिता है। ठीक है, तो पत्नी का पिता क्या हुआ? ससुर। और ये महिला इसकी बहन है, क्योंकि दिया गया है महिला का इकलौता भाई, ये महिला का भाई है तो ये इसकी बहन है, तो यानी कि आदमी के ससुर की बहन है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शारदा की ओर इशारा करते हुए संजय ने कहा, इसकी माँ की इकलौती पुत्री मेरी माँ है, तो संजय का शारदा से क्या संबंध है? बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए संजय क्या कह रहा है, संजय ही इशारा कर रहा है, तो संजय की बात हम पहले देखेंगे। तो ये कह रहा है इसकी माँ, यानी कि किसकी माँ? शारदा की माँ। तो यहाँ पे शारदा को मेन मान करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे शारदा, शारदा। अब क्या कह रहा है? इसकी माँ, शारदा की माँ हो गई, ठीक है, माँ की इकलौती पुत्री, तो माँ की एक ही बेटी है यानी कि वो शारदा है, इकलौती पुत्री मेरी माँ है, ये शारदा उस संजय की माँ है, ठीक है। तो संजय का शारदा से क्या संबंध है? यहाँ पे संजय का शारदा से संबंध पूछा गया है, यानी संजय शारदा का कौन है? तो संजय शारदा का कौन है? पुत्र है। जो पहले आता है उसको हमें बताना होता है कि वो कौन है शारदा का, या जिसका भी पूछा गया हो। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 7 है और 8 है आपके सामने, तो पहले तो वीडियो को पॉज करके आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको अब बताता हूँ। देखिए इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, वो मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है, लड़की उस आदमी से कैसे संबंधित है? तो यहाँ पे देखिए आदमी ने क्या कहा, जो इशारा कर रहा है वो क्या कह रहा है कि वो मेरे पिता की पत्नी, तो यहाँ पे मेरे आ गया ना, तो मेरे आ गया, तो यानी आदमी को मेन मान करके हम सॉल्व करेंगे। हालांकि हम इसको भी लड़की को भी मेन मान करके सॉल्व करते हैं, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा टिपिकल हो जाता है, तो यहाँ पे आदमी को मान करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आदमी है, आदमी क्या कह रहा है कि वो मेरे पिता की पत्नी, तो आदमी का पिता है, ये पिता हो गया, ऐसे डिनोट करेंगे पिता को, पिता की पत्नी, पिता की पत्नी हो गई, ठीक है, के इकलौते पुत्र, तो ये दोनों पति पत्नी है, पत्नी की इकलौते पुत्र, यानी पिता का भी वो इकलौता पुत्र होगा, तो यानी कि वो आदमी ही होगा, तो इकलौते पुत्र की पुत्री है, यानी इस आदमी की पुत्री है। तो अब पूछा गया है लड़की उस आदमी से कैसे संबंधित है, तो लड़की आदमी की क्या है? पुत्री है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें दिया गया है एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए नर्मदा ने कहा, वो मेरे चाचा की पुत्री का भाई है, फोटोग्राफ वाले व्यक्ति का नर्मदा से क्या संबंध है? तो यहाँ पे इशारा कौन कर रहा है? नर्मदा, ठीक है, नर्मदा ने क्या कहा? वो मेरे चाचा, तो यहाँ पे यानी कि नर्मदा को मेन मान करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो नर्मदा है, नर्मदा क्या कह रही है? वो मेरे चाचा, यानी नर्मदा का कोई पिता होगा, पिता, और उसका भाई होगा, भाई को ऐसे हम डिनोट करते हैं, तो वही उसका चाचा होगा, ये नर्मदा का चाचा हो गया, ठीक है। अब क्या कह रही है? वो मेरे चाचा की पुत्री, तो चाचा की पुत्री, ये चाचा की पुत्री हो गई, पुत्री का भाई है, इसका भाई है, ठीक है। तो फोटोग्राफ वाले व्यक्ति का नर्मदा से क्या संबंध है? तो फोटोग्राफ वाला व्यक्ति कौन है? जो ये है भाई,
ठीक है, तो ये नर्मदा का कौन हुआ? नर्मदा के चाचा की पुत्री का भाई है, यानी कि नर्मदा का चचेरा भाई है। तो फोटोग्राफ वाला व्यक्ति नर्मदा का चचेरा भाई है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, अब टाइप थ्री का क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, और ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है, और ए डिवाइडेड बाय बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो कौन सा व्यंजक बताएगा कि एम मामा है आर का? तो इसमें देखिए कुछ समीकरण दिए गए हैं, या व्यंजक या इक्वेशन जो भी आप कह लें, तो इनमें से कौन सा समीकरण बताएगा कि एम आर का मामा है? ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप खुद ट्राई करिए। तो मैं इसको बताता हूँ कैसे इसको इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एम मामा है, मामा है यानी कि मेल है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे ऑप्शन में कि एम किस में मेल प्रूफ हो रहा है, किस में फीमेल प्रूफ हो रहा है। ठीक है, तो देखिए एम इंटू टी, यहाँ पहले तो एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो सिंबल है उसी का मतलब है। अल्फ़ाबेट हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट कुछ भी मान सकते हैं। और जैसे ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो उसी तरह से एम इंटू टी का अर्थ होगा एम टी का भाई है। ठीक है, तो एम इंटू टी का क्या अर्थ हुआ? एम टी का भाई है, तो भाई है यानी मेल है, तो मेल है तो यानी ठीक है, रहने दीजिए। फिर दूसरा बी ऑप्शन है एम प्लस टी, ठीक है, तो यहाँ ए प्लस बी यानी एम प्लस टी का क्या अर्थ होगा? एम टी की बहन है, जिस तरह से ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, उसी तरह से एम प्लस टी का अर्थ हो जाएगा एम टी की बहन है। तो एम बहन हो जाएगी यानी फीमेल हो जाएगी, तो ये मामा नहीं हो सकती, तो इसको आप हटा दीजिए। ठीक है, और दोस्तों अगर आर का मामा है एम, तो आर की माँ होगी उसका भाई होगा, तब वो मामा होगा। तो माँ के लिए क्या ऑप्शन है? देखिए यहाँ पे ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, तो यहाँ पे टी माइनस आर है, यहाँ पे टी माइनस आर है, तो टी माइनस आर का क्या मतलब हो जाएगा? टी आर की माँ है। तो ठीक है, तो इन दोनों ऑप्शन में इस वाले को चेक करते हैं। देखिए तो इसका ये भाई है कि नहीं, एम डिवाइडेड बाई टी करके देखते हैं, तो यहाँ ए डिवाइडेड बाई बी का क्या अर्थ है? ए बी का पिता है, तो यानी एम डिवाइडेड बाई टी का अर्थ हो जाएगा एम टी का पिता है, तो पिता नहीं हो सकता, भाई होना चाहिए, तो यानी कि ये भी ऑप्शन गलत है। इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पे एम इंटू टी का क्या अर्थ है? एम टी का भाई है, एम इंटू टी का अर्थ है एम टी का भाई है। ठीक है, जिस तरह से ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो यानी कि टी का भाई हो गया एम, और आर की माँ हो गई टी, तो यानी कि ये ऑप्शन सही है, आर का मामा हो जाएगा एम। दोस्तों, अब बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, तो पहले तो इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, इसका सॉल्यूशन फिर मैं आपको बताता हूँ। इसमें दिया गया है यदि ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए डिवाइडेड बाई बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, और ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो कौन सा संबंध दर्शाएगा कि सी ए का दादा है? तो यहाँ पे पूछा गया है सी ए का दादा है कौन सा संबंध दर्शाएगा? तो सी यानी कि दादा है यानी मेल होगा। तो सबसे पहले हम ये इसमें चेक करेंगे कि कौन सा समीकरण इसको सी को मेल बता रहा है। तो इसमें सी प्लस डी दिया गया है, तो सी प्लस वाला हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे सी सॉरी ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो यानी सी प्लस डी का क्या अर्थ होगा? सी डी की पुत्री है, तो पुत्री हो जाएगी यानी फीमेल हो जाएगी, तो फीमेल दादा नहीं हो सकती, तो इसको हम काट देंगे। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर सी दादा है तो उससे पहले किसी का पिता होगा, तो इसमें पिता वाला देखिए कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन पुत्र वाला है। ठीक है, तो इसमें देखिए पुत्र वाला क्या है? डिवाइडेड बाई वाला, यहाँ भी डिवाइडेड बाई है यहाँ भी, तो इसमें देखिए दिया गया है सी डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, तो सी डिवाइडेड बाई डी का क्या अर्थ है? सी डी का पुत्र है, जिस तरह से ए डिवाइडेड बाई
बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, उसी तरह से सी डिवाइडेड बाय डी का अर्थ होगा सी डी का पुत्र है, तो सी यहाँ पे पुत्र हो जाएगा, तो यानी कि पुत्र तो हो नहीं सकता, वो पिता होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है डी डिवाइडेड बाय सी, डी डिवाइडेड बाय सी का क्या अर्थ होगा डी सी का पुत्र है, तो यानी कि सी पिता हो गया डी पुत्र हो गया, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए इंटू बी दिया गया है, ए इंटू बी का क्या अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ठीक है, इसको ऐसे डिनोट करेंगे। फिर क्या दिया गया है प्लस डी, बी प्लस डी, बी प्लस डी का क्या मतलब हुआ, यहाँ देखते हैं ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो यानी बी प्लस डी का क्या अर्थ होगा, बी प्लस डी का अर्थ होगा कि बी जो है पुत्री है किसकी डी की, बी पुत्री है डी की, ये फीमेल है, ठीक है। और फिर क्या है डी डिवाइडेड बाय सी, यानी डी जो है पुत्र है सी का, ठीक है, तो ये और ये हो गए भाई बहन, ये बहन है ये भाई है, और ये इनके पिताजी हैं डी, और ये इनके पिताजी हैं सी, तो ये सी जो है ए और बी के दादाजी हो गए, तो यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।